हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है बैड मैच, जिसे ब्रायन मकुम्बर ने डायरेक्ट किया था। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम हैरिस नाम के बंदे को देखते हैं, जो डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़की से मिलने आता है। उस लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, इन दोनों में काफ़ी अच्छे से कॉन्वर्जेशन होती है और रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर बीच रात में हैरिस उस लड़की के घर से उठकर जा रहा था, वो लड़की भी जाग जाती है। वो पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हैरिस कहता है, कल मुझे काम है इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। वो उसे कहता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा। लेकिन हैरिस कभी भी उसे कॉल नहीं करने वाला था। अगले सीन में हम हैरिस को फिर से उस डेटिंग ऐप पर देखते हैं। हैरिस का एक फ्रेंड है जिसके साथ हमेशा वो ऑनलाइन वीडियो गेम खेलता है। ये दोनों काफ़ी अच्छा खेलते हैं और इन दोनों की एक दूसरे से जमती नहीं, लेकिन फिर भी मैच लगाते रहते हैं। अगले सीन में हम हैरिस को ऑफिस में देखते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी क्लाइंट होता है जिसके अकाउंट को लेकर हैरिस और उसके फ्रेंड के बीच में कंपटीशन था। इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन बॉस ने प्रोजेक्ट हैरिस को दिया। हैरिस कहता है, मुझे क्लाइंट के लिए काफ़ी अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ एक बार में आया हुआ था। वो अपने फ्रेंड के सामने उसके डेटिंग ऐप पर सारी लड़कियों को स्वाइप राइट कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है, तुम इतनी सारी लड़कियों को स्वाइप राइट क्यों करते हो? हैरिस कहता है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, अगर मैं 100 लड़कियों को स्वाइप राइट करता हूँ तब उनमें से केवल 10 मुझे रिप्लाई कर देती हैं और उनमें से एक लड़की के पास मेरा काम बनेगा। उसकी फ्रेंड को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में था जो उसके लिए काफ़ी परफेक्ट थी। वो चाहता था हैरिस की भी एक स्टेबल गर्लफ्रेंड हो, लेकिन हैरिस कोई ना कोई रीज़न से अपनी गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट कर देता है। वो उस रात भी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन उस ऐप पर बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है जिसका नाम रायली होता है। रायली को एक गेम पसंद था। हैरिस उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जान लेता है। इसके बाद ये मिलते हैं और हैरिस रायली का ड्रिंक गैस करता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद रायली को जो गेम पसंद था वो उसके बारे में बात करता है जिससे वो कनेक्ट हो पाए। उसी बार में रायली के फेवरेट बैंड का सॉन्ग भी चल रहा था। ये बात जब हैरिस को बताती है तब हैरिस कहता है, ये तो हमारे क्लाइंट हैं, मैं हम दोनों को बैक स्टेज लेकर जा सकता हूँ। रायली इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। अचानक रायली के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने उसकी बहुत ही पुरानी पिक लाइक की है। उसे जेलस फील कराने के लिए रायली हैरिस के साथ एक फोटो शेयर करती है। इसके बाद रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस रात भी हैरिस बीच रात में उठकर वहाँ से जा रहा था। रायली कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? आज रात यहीं पर रुक जाओ। हैरिस कहता है, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। रायली कहती है, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। हैरिस कहता है, मुझे शावर लेना पड़ेगा। रायली कहती है, तुम यहाँ भी ले सकते हो। हैरिस अलग अलग बहाने बना रहा था, लेकिन रायली उसे जाने देने से के लिए राजी नहीं थी। लेकिन फाइनली हैरिस वहाँ से चला जाता है। उसे रायली बहुत ही अजीब लगती है। अगले दिन हैरिस अपने क्लाइंट्स की प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था, तब रायली के उसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। उसके पास रायली के कॉल्स भी आते हैं, लेकिन वो किसी को पिक नहीं करता। इसके बाद रायली उसे अपनी एक पिक्चर भेजती है। फोटो हैरिस को पसंद आती है और वो उसे अपने घर पर बुला लेता है। ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हैरिस बहुत लेट हो जाता है। उसी दिन उसका प्रेजेंटेशन था। उसने अलार्म तो लगाया था लेकिन वो बजा ही नहीं। जब ये बात वो रियलाइज करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी फ्रेंड का भी उसे कॉल आ रहा था। क्लाइंट्स का प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो जाता है। उसके फ्रेंड ने क्लाइंट्स को अपना प्रेजेंटेशन दिखा दिया। रायली उठकर ये सब चीज़ें देखती है और वो कहती है, शायद मैंने नींद में तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया था। हैरिस इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। हैरिस को जल्दी निकलना था, लेकिन रायली कहती है, तुम चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी, मैं डोर को लॉक कर दूंगी। वो भी उसकी बात मानकर ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आकर वो अपने बॉस को सारी सिचुएशन समझाता, लेकिन उसके बॉस ने उसका प्रोजेक्ट उसके फ्रेंड को दे दिया था। फिर उसी दिन रायली हैरिस को बहुत सारे मैसेज करती है। उसने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। जब वो घर पर पहुंचता है तब रायली घर पर ही थी। वो उसे देखकर डर जाता है। रायली कहती है, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन तुमने मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया। रायली के हाथ में चाकू था जिसे देखकर वो डर जाता है। वो उसे सॉरी कहता है। उसने कहा, इस छोटी सी बात के लिए किसी को भी हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। रायली रियलाइज करती है कि उसके हाथ में चाकू है, जिसे देखकर वो हंस देती है। वो कहती है, मैं घर पर गई ही नहीं थी, मैंने सोचा आज रात हम डिनर करेंगे। हैरिस को ये बात पसंद नहीं आती। रायली भी समझ रही थी। वो अपसेट हो जाती है और कहती है, ये बहुत ही बैड आइडिया था। रायली को बुरा लगता है, इसलिए हैरिस कहता है, आज रात मैंने डिनर कर लिया है लेकिन ये डिनर मैं कल कर लूँगा। रायली उसके पास आती है और कहती है, शायद मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करती हूँ। हैरिस भी उसका दिल रखने के लिए कह देता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आज रात हैरिस अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा था। ये दोनों फिर से एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। गेम खेलते हुए भी हैरिस को रायली का कॉल आ रहा था। वो उसे इग्नोर कर देता है।
अगले दिन हैरिस जब ऑफिस में था तब भी वो उसके कॉल को इग्नोर करता है। इसके बाद हैरिस के रिसेप्शन पर कॉल आता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है, ये तुम्हारी मदर का कॉल है। हैरिस जब कॉल उठाता है तब ये रायली ही होती है। रायली कहती है, आज रात उस बैंड का कॉन्सर्ट है, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। हैरिस कहता है, तुम्हें मुझे एक दो दिन पहले बताना चाहिए था तो मैं कुछ कर सकता था। रायली कहती है, तो हम डिनर वगैरह कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन हैरिस उसकी किसी भी बात के लिए नहीं मानता। वो कहता है, आज रात मैं बीमार हूँ और तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकता। रात में हैरिस अपने फ्रेंड के साथ एक बार में गया। उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी। वो हैरिस को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें एक स्टेबल गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम इस तरीके से हर लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। हैरिस कहता है, डेटिंग ऐप पर जो भी लड़कियां होती हैं वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी हैं, मैं उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाता हूँ, वो जो भी करता है उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। ये सब बातें पीछे खड़े होकर रायली सुन रही थी, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। हैरिस के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जब इस बार में आई तब उसने एक पिक्चर अपलोड की थी और उसने हैरिस को भी टैग किया था, जिसकी वजह से रायली को यहाँ का एड्रेस मिल गया। हैरिस ने जो भी कहा उसे सुनकर रायली को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, मैं तुम्हारा कोई सेक्स टॉय नहीं हूँ। इसके बाद गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। रात में हैरिस को सपना आता है कि वो घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। अगले दिन हैरिस अपने फ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पर गया। जब वो वापस आया तो रायली के उसे बहुत सारे मिस कॉल थे। हैरिस का फ्रेंड उसके मैसेज चेक करता है, तब रायली ने कहा था, मैं सुसाइड कर रही हूँ। हैरिस का फ्रेंड उसे कहता है, जल्दी से जाओ और उसे बचा लो। हैरिस कहता है, ये सब उसका ट्रिक है। लेकिन हैरिस का फ्रेंड कहता है, अगर ये सचमुच हुआ तुम काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। हैरिस डर जाता है और वो रायली को कॉल कर देता है। इसके बाद वो रायली के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है रायली बेहोश पड़ी हुई थी। हैरिस बहुत ही डर जाता है। रायली अचानक से हंसने लगती है। वो कहती है, क्या अब तुम्हें पता चला किसी को फूल बनाना कैसा लगता है। इसके बाद हैरिस गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन वो ऑफिस आता है तो उसकी बॉस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। कल रात हैरिस ने कंपनी के ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे मैसेज डाले थे, जिसमें लिख, मेरी बॉस बहुत ही घटिया है और मैं जहाँ काम करता हूँ वो प्लेस भी बहुत ही घटिया है। हैरिस इस बात को समझ नहीं पाता, उसे लगता है ये सब रायली ने ही किया है। वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉस नहीं मानती और वो उसे नौकरी से निकाल देती है। हैरिस डिस्टर्ब हो जाता है और ड्रंक होकर सो जाता है। अगले दिन वो उठता है तब उसके डोर पर पुलिस आ जाती है। उनके पास उसका लैपटॉप सर्च करने का सर्च वारंट था। उसे बताया जाता है कि उसने अपने लैपटॉप से छोटे बच्चे के पॉर्न को डाउनलोड किया है। हैरिस के खिलाफ बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे थे। हैरिस अपने लॉयर से कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सब रायली कर रही है, वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, उसने मेरे ट्विटर अकाउंट से भी मैसेज किए थे। लॉयर कहता है, ट्विटर की बात अलग है लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, तुम्हारे लैपटॉप को किसी ने हैक किया था या शायद तुम्हारे घर में कोई आ सकता है। हैरिस पूरी तरह से श्योर था कि इस सब के पीछे रायली है। लॉयर कहता है, अगर तुमने रायली पर केस किया और तुम उसे प्रूव नहीं कर पाए तो तुम्हें 5 साल की जेल होगी और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, अगर तुमने अपने आप को गिल्टी मान लिया तो तुम्हें सिर्फ फाइन देना पड़ेगा, जिसकी रकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हैरिस को इसे पे करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड की हेल्प से हैरिस को बेल मिल जाती है। उसके साथ जो भी हुआ ये सब बातें वो अपने फ्रेंड को समझाता है। उसे लग रहा था रायली के पास जाकर उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो उसके घर पर जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ये बहुत ही घटिया था, मैं सबके साथ बुरा कर रहा था, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं फिर से वो आदमी नहीं बनना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। रायली ने उसे माफ कर दिया। हैरिस का प्लान था कि वो उसे सब सच बता देगा तो रायली भी अपना सच कन्फेस कर देगी। रायली कहती है, मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे वो सुसाइड वाला इंसिडेंट नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें कहीं, इस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। हैरिस कहता है, क्या तुम मुझे और कुछ बताना चाहती हो। रायली कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हैरिस कहता है, तुमने मेरे लैपटॉप से पॉर्न डाउनलोड किया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, जिसके लिए मुझे बहुत सारा फाइन देना पड़ेगा, क्या तुम कन्फेस नहीं करना चाहती। और रायली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रायली कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, हैरिस उसे मारने ही वाला था। वो ज़ोर से चिल्लाती है, उसकी रूममेट आती है, तब हैरिस वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद रायली ने हैरिस के खिलाफ एक ऑर्डर डाल दिया था। हैरिस का लॉयर उसे कॉल करता है और उसे समझाता है कि प्लीज़ इस तरीके से ये सब चीज़ें मत करो, तुम्हें गिल्टी प्लीट करने के लिए सिर्फ 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में कुछ भी मत करना। लेकिन हैरिस उसकी बात नहीं सुनने वाला था। रायली अपने सारे फोटो फेसबुक पर डालती है, जिसकी वजह से हैरिस को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। उसने एक अलग फोटो अपलोड करके एक डेटिंग अकाउंट बनाया। रायली को जिसमें भी इंटरेस्ट था हैरिस ने उस सब को अपने बायो में लिखा। इसके बाद दोनों का मैच हो जाता है और वो आज रात एक बार में मिलने वाले थे। इस बार में जाकर वो रायली के ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला देता है। रायली जब बेहोश हो जाती है तब वो उसे अपने स्टूडियो में लेकर आता है। उसके हाथ पैर हैरिस ने बांध दिए थे। रायली बहुत ज्यादा डर जाती है,
वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो। हैरिस कहता है पहले तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ, पहले हम किस तरीके से मिले थे और किस तरह से तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। मेरा ट्विटर अकाउंट और मेरे लैपटॉप से पोर्न डाउनलोड करने के बारे में सब कुछ तुम्हें कन्फेस करना होगा। पुलिस के पास जाकर तुम सच कहोगी, ये सारी चीज़ें तुमने ही की थी। रैली बहुत ही ज़्यादा डर गई थी तो इस बात के लिए वो मान जाती है। रैली कहती है मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ, मैं सब कुछ उन्हें बता दूंगी। हैरिस कहता है ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम बाद में सब कुछ डिनाई कर दोगी। वो कैमरा निकालकर उसका कन्फेशन शूट करना चाहता था। रैली कहती है यहाँ मैं बंधी हुई हूँ और मेरा चेहरा भी बहुत ख़राब है, पुलिस को लगेगा या तुमने मुझसे ज़बरदस्ती लिया है। मुझे वॉशरूम लेकर चलो जहाँ पर मैं रेडी हो जाऊँगी। हैरिस को भी ये बात सही लगी। रैली ने हॉट वाटर चला दिया था और सिंक को बंद कर दिया था। हैरिस का जब ध्यान नहीं था तब हैरिस को पकड़कर उसे जोर जोर से मारती है और उसे पानी में डुबोने लगती है जिससे हैरिस का फेस जल गया था। हैरिस जैसे ही बाहर गया तब रैली उसे डंडे से मारती है। इसके बाद वो वहां से भाग पाती लेकिन हैरिस ने उसका पैर पकड़ लिया और उसका गला दबाकर उसे मारना चाहता था। रैली हैरिस की आंखों पर हमला कर देती है और उसे डंडे से बहुत मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद रैली बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन स्टूडियो बंद था। वो पीछे मुड़ती है तब हैरिस उसके पेट में चाकू मार देता है। वो रैली से कहता है तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए था। रैली की यहीं पर डेथ हो जाती है। हैरिस को तभी अपने लॉयर का कॉल आता है। लॉयर कहता है तुम्हारे सभी चार्जेस विड्रॉ हो चुके हैं, तुम जिस लड़के के साथ गेम खेलते थे वो तुम पर जरा गुस्सा हो गया था, उसने ही तुम्हारा लैपटॉप हैक करके पोर्न डाउनलोड की थी, तुम्हारा ट्विटर अकाउंट भी उसी ने यूज़ किया था। उस लड़की की मदर को सब पता चला तो उन्होंने सब कुछ उससे कन्फेस करवाया था। हैरिस को सिर्फ गलतफहमी हुई थी कि रैली ने ये सब कुछ किया है। इसके बाद वो फोन को कट करता है तब उसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड रैली के साथ देख लेता है। उसने पुलिस को कॉल कर दिया और रैली के मर्डर के लिए अब उसे सजा होगी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। हैरिस ने आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ गलत किया उसे कहीं ना कहीं लगता था कि कभी ना कभी कोई लड़की उससे बदला लेगी, लेकिन रैली तो उसे पसंद करती थी इसलिए वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगा रही थी और हैरिस ने उसे गलत ही समझ लिया और फाइनली एक गलत स्टेप उठा लिया। अब उसकी लाइफ जेल में ही कटेगी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।